वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, एक अपडेट समझेंगे जो हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफी बच्चों को पता है और काफी बच्चों को पता नहीं है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट, अगर आपने रिसेंटली अभी 12th का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिए और अपने उन सारे फ्रेंड, उन सारे ग्रुप को फॉरवर्ड कर दीजिए ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर मान लीजिए 12th खत्म होने के बाद, ट्वेल्थ का रिजल्ट आने के बाद फिर आप इन कोर्सेज के बारे में जा रहे हो एडमिशन के लिए, तो वहां पे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आज आपको ये वीडियो में समझ जाएगा। सेकेंड थिंग, इस नोटिस के बाद हम डिस्कशन करेंगे कि नॉर्मली हम 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन कैसे ले सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो प्लीज बने रहिए स्टार्ट टू एंड तक। एंड अगेन बोलूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने सारे फ्रेंड को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि उन बच्चों को पता ही नहीं है बहुत सारे कि करना क्या है, कैसे क्या, या फिर कैसे कंटिन्यू करें इन कोर्सेस के बारे में, कंपलसरी है भी कि नहीं ये एंट्रेंस एग्जाम। तो प्लीज ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, मैं जो इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो मैं एक सीईटी एग्जाम के बारे में बता रहा हूं। अभी रिसेंटली, मतलब इस बार रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि अगर आप बीसीए, बीबीए या बीएमएस या बीबीएम अगर ये कोर्सेस करने का प्लान कर रहे हो तो 12th के रिजल्ट के बेस पे आपको एडमिशन सिर्फ नहीं मिलेगा, आपको इन चार स्पेसिफिक कोर्सेस के लिए अलग से सीईटी, दैट इज एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और उस एग्जाम के स्कोरिंग और 12th एग्जाम का स्कोरिंग के बेस पे आपको जो है इन कोर्सेस के लिए एडमिशन मिलेगा कॉलेजेस में। प्लीज समझिए कॉन्सेप्ट को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए यहाँ पे कोर्सेस के नाम दे, चाहे वो 3 ईयर्स डिग्री कोर्स हो या 4 ईयर डिग्री कोर्स हो, आपको पता ही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान दीजिए। अगर आप बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज बीसीए और बीबीए, फिर बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दैट इज बीएमएस और बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट दैट इज बीबीएम, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, अगर आप ये चार में से कोई कोर्स करने का प्लान कर रहे हो तो ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th रिजल्ट आने के बाद सोचोगे कि इसमें एडमिशन मुझे मिल जाएगा तो ऐसा नहीं है। अगर आपको चार में से कोई कोर्स में ज्वाइन करना है इन फ्यूचर, इनमें ग्रेजुएशन करना है, तो उसके लिए आपको अभी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना होगा, उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। बैफ बीकॉम कंसिडर नहीं है अभी तक इसमें। बैफ बीकॉम प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आपको फिलहाल कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। 12th रिजल्ट आने के बाद में आपको बताऊं कैसे एडमिशन लेना है, कहां लेना है, फिलहाल के लिए उसके लिए कोई बात नहीं है इस वीडियो में। फिलहाल इसमें बात है सर इन चार स्पेसिफिक कोर्स के बारे में। अगर आप बैफ और बीकॉम करने का प्लान कर रहे हो तो डोंट वरी, हम आपके लिए अवेलेबल है, हमारे पास उनके लेक्चर्स भी है, हमारे पास उनके ऑनलाइन ऑफलाइन सारे मोड के लेक्चर्स अवेलेबल है। सो डोंट वरी, हमारा ऑफलाइन सेंटर थाने वेस्ट में और थाने ईस्ट में अवेलेबल है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा तो आप वहां पर आके बात हमसे कर सकते हो, या एडमिशन फॉर्म भरने में कोई डिफिकल्टीज हुआ तो हमसे बात कर सकते हो। बट फिलहाल ये वीडियो इन चार स्पेसिफिक कोर्स के लिए। अगर आप ये चार कोई कोर्स करने का प्लान कर रहे हो, अगर आपने इनके बारे में इंक्वायरी किया हुआ है, तो ध्यान दीजिए, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस एग्जाम का डेट जो है ऑलरेडी 21st मार्च से स्टार्ट हो चुका था और 11 अप्रैल 2024 इज लास्ट डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म। ये आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, तो इस दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल करना, हालांकि हो सकता है एक्सटेंड हो, नॉट श्योरिटी, बट यस ये दिन अभी के हिसाब से सर लास्ट डेट है, तो इसके अंदर अंदर आपको जो है सीईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप ये चार में से कोई कोर्स का प्लान कर रहे हो तो। और इसका लिंक आप देख सकते हो, ये उसका लिंक है, इस वेबसाइट पर जाना है, वहां आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर के आप इस लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ये आपका जो है सर सीबीटी एग्जाम है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। देखिए ये आपका सीबीटी एग्जाम है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा। सिलेबस क्या है क्या नहीं है आप एक बार देख सकते हो, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, सब कुछ मिला जुला करके है। और सेकेंड थिंग सर, सेकेंड थिंग इसका फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, इस
सीईटी के एग्जामिनेशन फीस सर ओपन कास्ट के लिए 1000 रुपीज है एंड अदर कास्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कास्ट के डिफाइन क्या कौन से कास्ट है यहाँ पे कवर है उन इन कास्ट के लिए सर 800 चार्जेस है। ये आपको पे करके एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है सीईटी के लिए, फिर सीईटी का आपको रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बेस पे आपको कट ऑफ लगेगा, फिर वहां जाकर आप कॉलेज में एडमिशन लेना रहेगा, फिर कॉलेज का फीस अलग रहेगा आपका। तो ध्यान रखिएगा प्लीज, जिनको पता नहीं है ये सारा चीज देखो दिया है पीडीएफ, आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आपके पास संजय सर का नंबर होगा ही, आप उनको एसएमएस कर दीजिएगा, ये पीडीएफ आपको वहां से पूरा मिल जाएगा। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, देख सकते हो कि इंग्लिश कितने मार्क का रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग 30 क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस 15 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर बेसिस पे तुम्हारा 15 क्वेश्चन रहेगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क का है, टोटल आपका 100 मार्क का है। ठीक है, फिलहाल ऐसा पासिंग कैटेगरी ऐसा कुछ आई थिंक सो डिफाइन तो नहीं किया जहां तक मुझे पता है, देखा नहीं मैंने, बट यस कुछ ऐसा पासिंग कैटेगरी है उसके बेस पे आपका कट ऑफ निकलेगा एंड कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको एडमिशंस मिलेंगे। और 90 मिनट का टोटल ड्यूरेशन है, देख सकते हो इंग्लिश मीडियम है, ऑनलाइन मोड है, आपको सेंटेंस लगे वहां जाके देना रहेगा आपको। सो प्लीज प्लीज इस वीडियो को सारे स्टूडेंट का फॉरवर्ड करो जो रिसेंटली 12th का एग्जाम दिए है, और अगर आप अगेन बीकॉम या बैफ प्लान कर रहे हो तो डोंट वरी अबाउट इट, हम उसके लिए अलग से वीडियोस लाएंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, या फिर अगर पॉसिबल हो पाया तो हम ऑफलाइन सेंटर ऑर्गेनाइज करेंगे आप लोगों के लिए, अगर आप नियर टू थाने रहते हो तो वहां पे अगर फॉर्म भर सकते हो। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, ये पीडीएफ लेकर के प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आप ये वेबसाइट पे भी जाके सब कुछ चेक कर सकते हो। किधर का वेबसाइट, दिस वन ठीक है। होप सो आपको ये इंफॉर्मेशन समझा रहेगा, अगर कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट जाकर चेक कीजिए, वहां पे वेबसाइट पे सब कुछ गिवन है आपके पास, अगर फिर भी डाउट है तो आपके पास हमारा नंबर है, हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और मिलते हैं कोई और वीडियो कोई और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।